आइए अब देखते हैं भाषा बिंदु के महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह प्रश्न है कि वाक्यों में से उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर हमें वाक्य पुनः लिखना है। विराम चिन्ह महत्वपूर्ण प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से भी। तो देखिए प्रश्न है, ओ कंबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अगर विराम चिन्हों का प्रयोग न कीजिए तो आप इस तरह से पढ़ेंगे। तो आपको इसमें सही विराम चिन्ह लगाना है, उसका प्रयोग करना है, ताकि इन वाक्यों को सही भावाभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाए और समझा जाए। तो देखिए उत्तर आप कुछ यूं लिखेंगे, ओ, लेकिन ये ओह लिखने से पहले दुहेरी अवतरण चिन्ह, क्योंकि ये डायलॉग है, तो डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन, ओह विस्म्यादिबोधक चिन्ह, कंबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, पूर्ण विराम और तत्पश्चात दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त, क्लोज। अगर आपने इस तरह से लिखा तो पूर्णांक अंक है आपके लिए, लेकिन अक्सर कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, तो आपको सावधानी क्या रखनी है, इस तरह से है लिखा, वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम किए, लेकिन आपका वाक्य प्रारंभ हुआ है दुहेरी अवतरण चिन्ह से, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, तो पूर्ण विराम के बाद उसे क्लोज कीजिए, यानी दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त करना है। अक्सर बच्चे कर देते हैं, है लिखा, दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त और फिर पूर्ण विराम या प्रश्न सूचक चिन्ह जो भी उस वाक्य में है, यह गलत है। आपको सही इस तरह से लिखना है, यह गलती करने से बचिएगा। अक्सर लिखते समय कहानी लेखन में इस तरह की गलतियां करते हैं बच्चे, विराम चिन्ह में इस तरह की गलतियां करते हैं बच्चे, तो आपको इस गलती से मुक्ति पानी है। अगला प्रश्न, मैंने कराते हुए पूछा मैं कहां हूं, आप इस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन आपको सही उत्तर कुछ यूं लिखना है, मैंने कराहते हुए पूछा, अल्पविराम कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यानी दुहेरी अवतरण चिन्ह प्रारंभ, मैं कहां हूं, प्रश्न सूचक चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त, इस तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग। अगला प्रश्न, मझली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर चली गई, सही उत्तर आप यूं लिखेंगे, मझली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई, पूर्ण विराम। हर वाक्य में एक से अधिक विराम चिन्ह का प्रयोग हो आवश्यक नहीं है, प्रश्न के अनुसार वाक्य में उचित मुहावरे का प्रयोग करना है, अनावश्यक नहीं। अगला प्रश्न, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसके ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए, सही उत्तर आप यूं लिखेंगे, विराम चिन्ह का प्रयोग करने के बाद, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, अल्पविराम, उसकी ननद रूठी हुई है, अल्पविराम कॉमा, मोती की शीतल पार्टी के लिए, पूर्ण विराम, दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त, यानी डबल इन कॉमा क्लोज। अगला प्रश्न, केवल टीका नथुनी और बिछिया रख लिए थे, अब इसके लिए पूरा एक वाक्य विराम चिन्ह के साथ आप लिखेंगे, तो आप यूं लिखेंगे, केवल टीका अल्पविराम, नथुनी और बिछिया रख लिए थे, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, ठहरो मैं मां से जाकर कहती हूं, इतनी बड़ी बात, अब इसे सही तरह से विराम चिन्ह के प्रयोग के बाद हम यूं लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यानी दुहेरी अवतरण चिन्ह प्रारंभ, ठहरो अल्पविराम, मैं मां से जाकर कहती हूं, अल्पविराम कॉमा, इतनी बड़ी बात, पूर्ण विराम, दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त, इस तरह से इस वाक्य को आप लिखेंगे। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, अब इस वाक्य में विराम चिन्ह हम प्रयोग करेंगे तब हमारा वाक्य कुछ यूं होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इकहरा अवतरण चिन्ह, टांग का टूटना, इकहरा अवतरण चिन्ह समाप्त, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, पूर्ण विराम, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करके हम यूं लिखेंगे, दुहेरी अवतरण चिन्ह प्रारंभ, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, जल्दी योजक चिन्ह हाइफन, जल्दी पैर बढ़ा, पूर्ण विराम, दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नौवा वाक्य, लक्ष्मी चल अरे गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है, अब इस वाक्य में विराम चिन्ह के प्रयोग के पश्चात हम उसे यूं लिखेंगे, दुहेरी अवतरण चिन्ह प्रारंभ, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करने के बाद, लक्ष्मी चल अल्पविराम कॉमा, अरे गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है, पूर्ण विराम, दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त। मानो उसकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही,
विराम चिन्ह के प्रयोग के पश्चात हम इस वाक्य को कुछ यूं पाएंगे, मानो अल्पविराम कॉमा उनकी एक आंख पूछ रही हो, अल्पविराम दुहेरी अवतरण चिन्ह प्रारंभ यानी डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन, कहो अल्पविराम कविता कैसी रही, प्रश्न सूचक चिन्ह दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त। इस तरह से सावधानी पूर्वक आपको यह वाक्य लिखने चाहिए। यही सावधानी पूर्णांक दिलाती है, यही सावधानी भावाभिव्यक्ति को सही तरह से प्रस्तुत करने में सहायक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का एक परिच्छेद लिखिए। अब चूंकि यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, एक टेबल है, उसमें जितने विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं इन एक एक विराम चिन्ह को उनके नाम के साथ और एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में दे देता हूँ। आप उसे पैराग्राफ की शक्ल दे दीजिए, परिच्छेद में लिख सकते हैं। देखिए 16 ये विराम चिन्ह हमें हैं प्रस्तुत। इन 16 विराम चिन्हों को हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे पहला पूर्ण विराम, उसका चिन्ह है यह कोष्ठक में आपको दिया। अब इसके लिए वाक्य देखिए, केशव पढ़ने में तेज है के पश्चात पूर्ण विराम चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, चिन्ह भी आपको बॉक्स में दिख रही है। अब वाक्य आप यूं लिखेंगे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, बच्चन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की अमर कृति अमर रचना मधुशाला है। उनकी अमर रचना, उनकी पाठ्य पुस्तक नहीं, उनकी कविता की एक अमर रचना है, अमर किताब है, उसे मधुशाला शीर्षक दिया हुआ है। मधुशाला नाम से विख्यात अजरामर कृति है वह, तो मधुशाला को हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा। इस तरह से आप इस वाक्य में लिखेंगे, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो निराला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, विशेष सूचना देने के लिए आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग के समय यह सावधानी रखिए। अर्धविराम चिन्ह आपके समक्ष हैं, इसका प्रयोग आप कुछ न करेंगे। महापुरुष मरते नहीं, अर्धविराम चिन्ह, वे तो अमर हो जाते हैं, है पर बिंदी क्योंकि सम्मान दिया है, वे हैं फिर बिंदी क्योंकि हैं से पहले ते भी आया है। अगर आपने जाता है कहते तो हैं पे बिंदी नहीं आती, क्योंकि वाक्य के भाव में ही आदर है, सम्मान है, इसलिए हैं पर बिंदी आएगी। अगला प्रश्न, पूर्णता सूचक चिन्ह कि अब इसके बाद कहानी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो इस तरह से आप जब कोई कहानी लिखते हैं, कोई बात कहते हैं, उसके पूर्ण होने का संदेश दर्शाना चाहते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस तरह चारों भाई बहन खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे, पूर्णता सूचक चिन्ह। अगला है पांचवा योजक चिन्ह, इसे हम कई बार शब्द युग में पाते हैं, इसे हाइफन भी कहते हैं, योजक चिन्ह। तो वाक्य आप यूं लिखेंगे, नाना जी धीरे धीरे टहल रहे हैं, धीरे योजक चिन्ह धीरे, इनके बीच में यह योजक चिन्ह आया है, इस तरह से आप इसका प्रयोग करें। दोहरा उद्धरण चिन्ह, याद रखिएगा यह सिर्फ डायलॉग के लिए है, और वाक्य कुछ आप यूं लिख सकते हैं, दादाजी ने कहा कॉमा अल्पविराम दुहेरी अवतरण चिन्ह प्रारंभ, जन्मदिन पर अन्य उपहार देने की अपेक्षा आप कृपया पुस्तकें उपहार में देने की वृत्ति, इस सोच, इस मानसिकता को बढ़ावा दीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए, बढ़ावा दीजिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए, पूर्ण विराम दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त। इस तरह से आपको ये लिखना है। सावधानी यह रखिए, दीजिए पूर्ण विराम दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त, लेकिन दीजिए दुहेरी अवतरण चिन्ह समाप्त और फिर पूर्ण विराम तो गलत हो जाएगा, सावधानी रखिएगा। अगला प्रश्न, अल्प विराम कॉमा चंदर अल्प विराम दो प्याला चाय बना दो, बना लाओ, चंदर अल्प विराम यानी कॉमा दो प्याला चाय बना लाओ पूर्ण विराम। आठवां विराम चिन्ह हम देखेंगे, लोप सूचक चिन्ह, इस तरह से। अब इसमें कुछ और भी कहना है आपको, वह वहां पर लोप हो गया है, भाव वहां पर व्यक्त नहीं किए गए हैं, शब्द वहां पर लिखे नहीं गए हैं, लेकिन वहां पर कुछ भावनाएं अधूरी हैं, अव्यक्त भावनाएं हैं, तब यह चिन्ह प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आप देखिए, आप इस प्राचीन ग्रंथ को खरीद कर क्या करोगे, लोप सूचक चिन्ह
फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। इसके बाद भी और कुछ कहा जा रहा है लेकिन वह सूचनाएं और शब्द अव्यक्त है वहां पर। त्रुटि बोधक चिन्ह, क्या आप लिखते समय अचानक आप कुछ शब्द लिखना भूल गए, आप पुनः लौटते हैं और उस जगह पर इस त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इस तरह से वह शब्द वहां पर आता है और वाक्य अधूरा अर्थहीन रहने की बजाय पूर्णता पा जाता है। तो आप इस वाक्य में इस तरह से लिखेंगे, मान लीजिए आपने लिखा राम कल जाएगा और अचानक आपको स्मरण आया कि आपने जो पेश किया है यह अधूरी जानकारी, इसे आपको पूरा इसमें और कुछ पूरी जानकारी देनी है, पूर्णता प्रदान करनी इस वाक्य को, तो आप कुछ यों भी लिख सकते हैं, राम कल दिल्ली जाएगा, तो त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग किया और आपने ऊपर दिल्ली शब्द लिखा। इसका प्रयोग यहां किया जाता है। अगला प्रश्न, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह, विज्ञान अपूर्ण विराम चिन्ह या उपविराम चिन्ह, वरदान या अभिशाप, विस्म्यादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क, इसी के लिए वाक्य आहा, विस्म्यादि बोधक चिन्ह कितना रमणीय उपवन है, और फिर बारहवा चिन्ह कोष्टक चिन्ह, इसके लिए वाक्य देखिए नौकर हाथ जोड़कर, कोष्टक चिन्ह में हाथ जोड़कर मालिक क्षमा कीजिए पूर्ण विराम। अब याद रखिए यह कोष्टक ये भाव व्यक्त करने के लिए अधिकतर नाटक में एकांकी में संवाद किस भाव में कहे जा रहे हैं मनोदशा व्यक्त करने के लिए कोष्टक शब्द का अक्सर प्रयोग किया जाता है, कोष्टक चिन्ह का अक्सर प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले विराम चिन्ह की तरफ, प्रश्न सूचक चिन्ह, आपके विद्यालय का नाम क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह, अपूर्णता सूचक चिन्ह कि अपूर्णता है, अधूरापन है, आप ये दर्शाना चाहते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, आप कुछ यूं लिख सकते हैं अपूर्णता सूचक चिन्ह, और फिर अचानक आपने आधे हिस्से से अपनी बात कहनी शुरू की है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनें समुझें स्तुति संता, आप इस कोट को इन पंक्तियों को इस प्रसिद्ध चौपाई को उल्लेखित कर रहे हैं और फिर तत्पश्चात आप कुछ और कहना चाहते हैं, अपूर्णता सूचक चिन्ह मतलब आधे से अधूरे से आपने कुछ भाव व्यक्त करना शुरू कर दिया। विराम चिन्ह विकल्प चिन्ह स्लैश आप कहते हो इंग्लिश में, कोई चीज विकल्प के तौर पर ऑप्शन के तौर पर जब दी जाए तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य आपका कुछ यूं होगा, प्रतिस्पर्धी जो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रतिस्पर्धी हैं जो कंपिटिटर हैं वो सफल या असफल में से एक तो अवश्य होगा, जो भी परीक्षार्थी होते हैं जो प्रतिस्पर्धी होते हैं या तो वे सफल होंगे या असफल, इन दोनों में से उनका एक होना तो तय है, तो सफल असफल के बीच में विकल्प चिन्ह। और अंतिम विराम चिन्ह जो हमें तालिका में दिया हुआ है वह है दीर्घ कोष्टक, इसका प्रयोग हम इस तरह से करेंगे, कुसुमाग्रज का मराठी की पहचान, मराठी अस्मिता के प्रतीक कुसुमाग्रज महान कवि, कुसुमाग्रज का फिर दीर्घ कोष्टक चिन्ह, फिर लघु कोष्टक मराठी भाषा लघु कोष्टक पूर्ण अनुवादित, फिर लघु कोष्टक इसे अनुदित कहेंगे ट्रांसलेटेड, दीर्घ कोष्टक पूर्ण साहित्य सभी पढ़ते हैं बिंदी सम्मान दिया गया है और पूर्ण विराम, दीर्घ कोष्टक को आप इस तरह से प्रयुक्त करेंगे। अब याद रखिएगा बच्चों ये जो 16 हमने पाए विराम चिन्ह इनमें से ये आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंत में यह तालिका दी हुई थी इसलिए हमने इनका वाक्य में प्रयोग करके उत्तर के रूप में आपसे चर्चा की, लेकिन परीक्षा में प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 4 व्याकरण में विराम चिन्ह एक अंक के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उस विराम चिन्ह के प्रश्न में हमें इस तरह से 16 विराम चिन्ह नहीं पढ़ने हैं, उसमें कुछ चुनिंदा गिने चुने 11 के आसपास विराम चिन्हों को हमें अभ्यास करना होता है, उदाहरण के तौर पर पूर्ण विराम चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह इकहरा उद्धरण चिन्ह दुहेरी अवतरण चिन्ह योजक चिन्ह विस्म्यादि बोधक चिन्ह अल्प विराम अर्ध विराम, इतने गिने चुने ये त्रुटिपूर्वक अपूर्णता सूचक दीर्घ कोष्टक इस तरह के प्रश्न परीक्षा में न भूतो न भविष्यति न अब तक पूछे गए न आगे पूछे जाने की संभावना है।
चूंकि ये सिर्फ पाठ्य पुस्तक में प्रश्न के तौर पे पूछे गए थे, इसलिए हमने इसे हल किया। परीक्षा में इतने पेचीदा, इतने कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सामान्य, सरल, बहुप्रचलित विराम चिन्हों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कृपया उनका अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। हाँ, इन प्रश्नों से अनजान भी नहीं रहें। यदि कभी आप पढ़ते हुए पाएं तो आपका परिचय करवाया गया है कि ये ऐसा विराम चिन्ह यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। उम्मीद है आप इस जानकारी से संतुष्ट और संपन्न होंगे। पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं किसी और पाठ में। धन्यवाद।